हेलो क्लास फिफ्थ। तो आज हम लोग फंडामेंटल ऑपरेशन चैप्टर दोबारा से पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज हमारी 3.3 है। आज की एक्सरसाइज हमारी सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड है। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है सब्ट्रैक्शन। ये पूरी एक्सरसाइज सब्ट्रैक्शन पे ही बेस्ड है। एक एक क्वेश्चन, जैसे हम लोगों ने लास्ट सेशन में एडिशन के क्वेश्चन किए थे, देन उसको कॉलम में अरेंज करके ऐड किया था, देन उसका वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था। तो आज हम लोग सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहले एक हम लोग सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमें देखेंगे सब्ट्रैक्ट करते हैं किस तरीके से। 7042801, मैं जान मुझके थोड़ा गैप दे के लिख रही हूँ। 2977, this is our question। तो जब भी छोटा डिजिट अपर साइड होता है और लोअर नंबर मीन्स छोटा नंबर नीचे होता है, तो छोटे नंबर में से हम बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हम छोटे नंबर को हमें थोड़ा एक्स्ट्रा करने के लिए, बड़ा करने के लिए हमें जो उसे पहले डिजिट्स लिखे होते हैं उनसे हम लोग मांगते हैं कि भाई मुझे एक नंबर दे दे ताकि मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊँगा, ताकि मुझसे सब्ट्रैक्ट जो उधार ले। अब वन ने जीरो से मांगा लेकिन जीरो की वैल्यू नहीं है, मैं जीरो तो कुछ नहीं दे सकता उसे। तो जीरो ने और आगे पास कर दिया कि वो एट से मांगेगा। जब जीरो ने एट से मांगा तो ये तो बन गया हमारा 7 और जीरो बन गया 10। जीरो बन गया हमारा 10, लेकिन अब 10 बनने के बाद उसे इसे भी देना है। तो अब इसने इसको दे दिया तो हमेशा उसमें से एक माइनस हो जाता है। तो ये बन गया 9 और ये बन गया 11। अभी इजीली माइनस हो जाएगा, 11 में से 7 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 7 में से 2 गया 5। ओके, इतना हमारा सॉल्व हो गया। इधर अगेन यहाँ पे 2 छोटा नंबर आ गया, यहाँ पे 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है। ये इसको भी नहीं दे सकता, दे तो सकता है लेकिन 4 पहले हम 4 में 4 से हम 2 को देते हैं, मीन्स 2 4 से मांगेगा। तो ये बन जाएगा 3 और ये बन गया 12। 12 में से 1 गया 4। अब 3 में से 7 नहीं जा सकता तो 0 के पास गया, लेकिन 0 के पास वैल्यू नहीं है। 0 ने 7 से मांगा, 7 बन गया 6, 10 0 बन गया 10, 10 ने जब 3 को दिया तो अगेन ही 9 बन गया और ये 13 बन गया। अब 13 में से 7 को हम लोग माइनस करें तो ये बनेगा 6, 9 में से 9 गया 0 और 6 में से 2 गया। तो ये है हमारा आंसर। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे फॉर्म में करेंगे। अगर आपके पास अगर दूसरे तरीके से क्वेश्चन है तो उसको भी आपको कॉलम में अरेंज करके ही, जैसे हमने एडिशन को कॉलम में अरेंज करके प्लस किया था, वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन को भी कॉलम में अरेंज करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहाँ प्लस है, ये माइनस है, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे तीन तीन डिजिट है, तीनों सब्ट्रैक्शन में है, तीनों सब्ट्रैक्शन में नहीं है। इन दोनों डिजिट के बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है और इन दोनों डिजिट्स के बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन लगा हुआ है। तो हम पहले इन दोनों डिजिट्स को सॉल्व करेंगे। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, और हमें ये इसी साइड से लिखना है। डोंट बी कंफ्यूज कि हम लोग इस साइड से लिखते ही गलत हो जाएगा। चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो,
12 और ये बन गया हमारा 3। 3 में से 5 निकाल सकता है, 13 बन गया 7। 7 में से 2 गया 5, 4 में से 3 गया 6। तो हमारा आंसर आया ये। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होता, हमेशा जो पहले गिवन होता है उनको करना पड़ता। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हमें पहले माइनस ही करना पड़ता, तो पहले हमें स्टार्टिंग के सॉल्व करना पड़ता है, देन हम लोग फर्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अब हम एक वर्ड प्रॉब्लम भी करेंगे ताकि आप लोग और क्लियर हो जाओ कि जब हम लोगों ने एडिशन की वर्ड प्रॉब्लम की थी तो वो इजी थी, तो अब सब्ट्रैक्शन की करते हैं। सब्ट्रैक्शन की वर्ड प्रॉब्लम का पहले मैं क्वेश्चन रीड आउट करती हूँ। सोनिया बॉट अ लार्ज जनरेटर फॉर ₹18,42,890। उसने एक बहुत बड़ा जनरेटर खरीदा है जो कि 18,42,890 रुपीज़ का है। उसने उसको 13,40,252 का बेच दिया। तो आपको बताना है कि उसको गेन हुआ है लॉस हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 4 है। सोनिया बॉट अ लार्ज जनरेटर, उसने उसे वो बेचना चाहती है कितने का, 13,40,252। अब देखते, बड़ा नंबर आपको पहले दिख रहा होगा 18 लाख या 13 लाख, तो जाहिर सी बात है उसने ज्यादा में खरीदा है और कम में बेच रही है। मीन सपोज उसने 10 रुपए की चॉकलेट 5 रुपए में बेच रही है, तो दैट मीन्स उसको 5 रुपए का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उसने जो जनरेटर खरीदा बहुत ज़्यादा कॉस्ट में खरीद रहा है और वो कम कॉस्ट में उसे बेच रहे, तो ऑब्वियसली उसको लॉस होने वाला है। लॉस कितने का होने वाला है वो हमें फाइंड करना है, तो पहले इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोग स्टेटमेंट में लिखेंगे 8 हो गया 6। ओके, तो हमारा आंसर आया है ये। इसको हम लोग स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लेंगे। शी लूज, क्योंकि उसने वो सॉल्व करूंगा।